गुड मॉर्निंग मैम। 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 मैम टुडे वी विल डू सिविक्स और हिस्ट्री। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मले स्वाली येस्टरडे यू वर नॉट देयर इन द क्लास। यस मैम। ग्रुप से करो। नोबडी विल वेट फॉर यू। रीजंस फॉर नॉट अटेंडिंग। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Yes, Malay Swali. Actually, electricity was not there and cell phone was not charged. Fine. See, in such cases, on daily basis, you need to update on the class group that why you did not attend the class that very day. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is for all those. This is for everyone. Those who are not attending the classes. Yesterday, I understand. Day before also, because. Many places there was, you know, power cut was there and people could not get their mobiles or laptops charged. But still, if you leave yesterday, otherwise, बेटा यदवेंद्र आप ये नहीं कह सकते हो कि network problem था. आप लोग attendance डाल देते हो. See, ma'am, I informed Shoaib for the classes and ma'am he said that I will be joining Achha. Classes soon. बेटा ज्वाइनिंग कैसे होगी. चलो ठीक है. डिड यू टेल हिम दैट आई वाज ट्राइंग हिज फोन एंड नॉट इवन अ सिंगल नंबर इज गेटिंग कनेक्टेड. यस हर्षित. यस मैम. हाँ जी आप अपना रीजन बताइए. आप क्लासेस क्यों नहीं कर रहे थे बेटा. मैम फोन नहीं था. बताया तो था. अब पापा ने अरेंज कर दिया तो मैं आप कर रहा हूँ क्लासेस. वो तो दो हफ्ते पहले की बात है. हाँ तो मैंने आपने पहले कॉल किया था ना तो मैंने बताया था मैं बाहर गया हुआ था गांव गया था. हाँ. बेटा गांव आप डेढ़ डेढ़ दो महीना आप गांव रह के आए हो. नहीं मैम एक ही महीना तो हुआ है अभी. वहाँ शादी थी ना भैया की. बेटा अप्रैल अप्रैल पूरा अप्रैल आपने क्लास अटेंड नहीं करी है. पूरा मई आपने क्लास अटेंड नहीं करी है. डू यू अंडरस्टैंड दिस. दो महीने की क्लासेस आपने मिस करी है. मैम अप्रैल में तो की थी. कहाँ करी थी आपने. मुश्किल से आपकी अटेंडेंस कितनी है. हार्डली 10 दिन भी नहीं है करी है आपने 10 क्लासेस. चलो व्हाटएवर द रीजन इज व्हाटएवर व्हाटएवर सेड और डन अब कर लूंगा मैम. इन पास्ट व्हाटएवर हैज नाउ प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर. राइट इट इज फॉर योर गुड ओनली बेटा. आई हैव नो सी देयर इज नो सेल्फ मोटिव दैट आई हैव इन
making you people attend your classes. At the end of the session, you will all only benefit from these classes. No one else is going to be benefited, right? Yes, ma'am. Devansh, there are many students in the class, those who put attendance, but they hardly join the meetings. So don't have this practice, please. This is a very wrong thing. You are not fooling others. You are fooling yourself. You are fooling your parents. Because at the end of the day, when they will ask you, were you there in the class? You can easily show, yes, see, I have marked my attendance. Good morning, ma'am. Some of the students have been doing this. Good morning, Deepshika. Some of the students have been doing this, but don't have this practice. It is not a good thing, beta. अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग बड़े हो गए, जब आप जॉब पे जाओगे, बाहर निकलोगे काम करने के लिए, देर आर सी हमारे कुछ मॉरल एथिक्स होने चाहिए, ठीक है? हमें हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए चीजें नहीं करनी है. हमें अपने लिए, अपने आप में हम सेटिस्फाइड रहें, अपने कॉन्शियस से हमें अपने अंदर कोई गिल्ट ना हो, हम अपने आप से ये झूठ ना बोले कि भाई हाँ हमने ऐसा करा है, बट अंदर ही अंदर वी नो दैट वी आर रॉन्ग समवेयर. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप ये करो कि वो करो. देर आर मेनी लाइक यू नो देर आर पीपल दोज हु आर वेरी ट्रू, दे आर ऑनेस्ट टू वॉट दे डू. एज अ स्टूडेंट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर स्टडीज, विद योर एकेडमिक्स, राइट? यस मैम. यस मैम. Enough of Gyan, and now let us start with the class. Now tell me, history, I think we are over with history chapter, nationalism in India. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Then yes, geography, ma'am. we are over with agriculture chapter. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. And in civics chapter 4, we are over with chapter 4 as well. Yes, ma'am. Right. Okay. So what we are going to do today is, what we are going to do today, please tell me, what do you want? Shall we start with a new chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Fine. So we'll start with the new chapter of, let us go with civics. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We'll start with political part. I think next chapter of civics is political parties, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So before we start with the chapter text and other things, can we have all the children with mics open? Open. Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The mics or video? I said cameras open, cameras. Fine. So there are 22 participants in the class right now. Fine. I'll be calling your names and you will be answering my questions one by one. This is something which is very general. You have been doing this in your previous classes. You are aware of this. See, the new chapter that we are going to start in civics is political parties, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, political parties, this is something that you are very much aware of, right? In our country, as a democratic country, we follow which party system in our country? Single party, double party, bi-party, dual party, or multi-party system? Multi-party. Very good, very good. We follow multi-party system in our country. Now talking about this multi-party system, if you remember class 9, we read about state parties and national parties, right? Right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And can anybody tell me what is the basic difference between national party and a state party? Akansha? Ma'am, state party Dhruv, wait, can win election. Acha, wait. Okay, Dhruv. Yes, tell Dhruv. Ma'am, national party. National party is a...
Tell Dhruv, national party is what? Ma'am, national parties can fight election in the whole country, in many states, and a state party can only contest in only state only, in their state. Very good, very good. See, when we say a national party, can we have Agrim telling this answer? If you know, what is a national party? Why? How a political party is called as a national party or a state party? Ma'am, when a party takes part in like many states election. No, you don't remember what I told you in class 9th. Chalo, never mind. Sorry, ma'am. No, it's okay. Completely okay. No issues at all. Fine. See, we all know a political party is a group of people who have similar mindset, those who are willing to work for the betterment of the country, those who are ready to work for the growth, development, welfare of the people of the country. Right? Yes, ma'am. When such people come together, yes. they form a political association or they form a group, right? Now, when these groups, they get recognition by the election commission, they are known as political party, right? Yes, ma'am. Now, when yes, this, ma'am. Now, when this group, when they are permitted by the election commission, see, when once they are registered with the election commission as a political party, they get a symbol, they get a name, right? Name is suggested by the, of course, the party members only, and then they are given a symbol. The election commission, it provides them with a symbol, which is easily, you know, recognized by people, which is easy to remember, right? Like if you tell a child that what is the symbol of BJP party or what does Lotus stands for, they will tell you it is for the Modi ji party. Many of the children will tell you this. If you ask people about, you know, this symbol of Congress, political symbol of Congress, they will tell you that it is the hand, right? People know it very clearly. If those who don't know how to read and write, they will also look at the picture and they will tell you that this symbol, you know, it symbolizes this particular political party, right? So election commission provides with a unique symbol, which is easily recognizable by the people. Now, after this is done, they are permitted to contest elections, right? Now, how a political party is categorized as a national party or as a state party, there are certain norms to this. Now, what is this norm? Like a political party that contests elections in the Lok Sabha and wins 6% of the total votes and at least wins in 4 states. Am I clear? 6% of total votes and 4 states, at least in 4 states, the political party wins. Then it is recognized as a national political party. Right? You can write it somewhere. National party is equals to 6% of total votes and seats in 4 states. Win in 4 states. Ma'am, equals to 6% of total votes and at least. Ma'am, this 6% is whole of the country. Yes, you can carry on, Sanya. Ji beta, 6% of total votes. Ma'am, this 6% is whole of the country. Total votes, Lok Sabha ke jo elections hote hain, usme 543 constituencies hoti hain. तो उस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का 6%, ठीक है? और किन्हीं 4 states में अपनी विन वो रजिस्टर करें, ठीक है? विन सीट्स इन 4 states, राइट? दिस इज क्लियर? यस मैम।
Yes. Now, when these conditions are fulfilled, then only a political party is recognized as a national party. I hope I am clear and understood. Okay. Yes, ma'am. Yes, second ma'am. Thing, when we talk of the state party, state parties are those parties which are recognizable in a particular state, and they have the rights to contest election only in that specific state. Right? Right, class? Ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये शोर कहाँ से आ रहा है बच्चे प्लीज मैम धनंजय अच्छा योर वॉइस इज नॉट क्लियर माय वॉइस इज नॉट क्लियर नाउ इज इट क्लियर यस मैम इज इट क्लियर नाउ यस मैम Excuse me, ma'am. Ji, beta. Ma'am, please check the chat box. Okay, just a second. हाँ जी, हम कहाँ पे थे? Yes, Sanya. Okay, fine. No issues. Thank you, ma'am. चलिए नेशनल पार्टी इज क्लियर टू एवरीवन यस मैम देन फॉर अ स्टेट पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स एंड Win four states. No. And win at least two seats. बेटा क्योंकि four state में कैसे कर लेगी वो state party है ना तो कहीं पूरे state में दो जगह पे उनको two seats win करनी होंगी then only they will be recognized as a state party. I hope I am clear. Yes, ma'am. चलिए. Yes, ma'am. This is. The basic thing that you need to remember, right? Right, class? Yes, ma'am. Okay. Now, see, this chapter deals with why do we need political parties? Do you think that without political parties we can manage? Deepshikha? No, ma'am. No? No, ma'am. Agree? No, ma'am. We cannot manage. Why we cannot manage without political parties? What could be the reason? Ma'am, because it can. Ma'am. Hmm? Yes, because. Ma'am, because it controls the working of institution. Because it controls the working of the institution. What else? Everyone needs, ma'am, proper guidelines and, ma'am, restrictions. Yes, everybody needs proper guidelines. Now, see, if political... And, ma'am, everyone follow the guidelines which had been given by the... Like, you know, a classroom, when in a classroom... excuse me. In a classroom, when all the students are there and no teacher comes to the class... do the children maintain that discipline within them? No, ma'am. No, ma'am. Very few. And those who sit silently and those who don't make noise, you know, they are called as fools. Because they say, why you are trying to, you know, project something that you are not having. So sometimes it so happens that, you know, you need to go with the wind. You need to move with the force the direction of the wind. But
see, it is very difficult to be in discipline when there is nobody to sit on your head, right? Right? I hope I am clear. You are getting my point, what I am trying to say? Yes, ma'am, very well. If everyone is given a free hand to manage things, what they will do, they will be confined only to themselves. Nobody will be thinking about the other people, right? That is why political parties are necessary for a democratic country, right? Right? Talking about our country, we have segregated the country into three levels. We have central government, we have state government, and we have the local government, right? And all the three levels that we have, there are representatives who are chosen by us and they rule over us. But actually, we are the rulers. The aam aadmi, the common men, they are the rulers. They are the ones who, you know, project or who try to tell or who are actually the real rulers, because they are the ones who ensure that who is going to be our representative, who is going to rule over us. The political leaders, they don't decide that. It is we, the people, who decide this, that who is going to rule over us. I hope I am clear. Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Yes. Now, you know, it is very important to have political parties, because if political parties will not be there, then nobody will be thinking about the welfare of the whole country. People will be confined. Agar hum kehte hain ki bhai apne apne regions ko, areas jo hain, jo hamare areas hain, unko localites ko de do aap wo karne ke liye, control karne ke liye, to jo locals hote hain, they will be confined to their areas, their regions. Unko ek particular boundary ke baad, they will not be confined. They will not be interested in looking into the problems of the others. Right? उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे क्या दिक्कत होगी, उससे दिक्कत ये होगी कि हमारा एरिया तो वी आर लुकिंग आफ्टर वेरी नाइसली, बट हमारे एरिया की जो साइड में है या जो अलग है, उन लोगों को वी आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक एरिया अनडेवलप्ड रह जाएगा, एक एरिया कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा. तो इस तरीके के वेरिएशंस विद इन अ कंट्री शुड नॉट बी देयर. दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज. दूसरा, हर कोई एक तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट या कंट्री के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता. जब एक माइंडसेट वाले लोग एक साथ मिलके आ जाते हैं, तब वो ज्यादा बेटर वर्क कर पाते हैं. जैसे हम वो कहते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल दे कम टुगेदर. तो आपने भी देखा होगा, जो दोस्ती होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, वो किन लोगों के साथ ज्यादा होती है, जो हमारे तरीके से सोचते हैं या हमारे तरीके की माइंडसेट रखते हैं. डोंट यू थिंक सो? ऐसे ही तो होता है ना. Yes, ma'am. आपने देखा होगा क्लासरूम्स में भी क्या होता है, यू नो, दोस पीपल हु आर फ्रेंड्स, जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें नोटोरियस वंस जो है वो सब एक साथ होते हैं, एंड जो सबमिसिव होते हैं वो सब एक साथ होते हैं, और जो बीच वाले होते हैं, जो कि ना तो बहुत ज्यादा सबमिसिव होते हैं ना ही बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, दे ऑल आर अ ग्रुप. तो ये जो इस तरीके का जो सेग्रीगेशन होता है, इट इज कम्प्लीटली ऑन द माइंडसेट ऑफ द पीपल. सबको पता है हमारी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर सकती है, हमारा जरा सा बोलना किसको क्लिक कर जाएगा, कौन हमारी बातों को अधूरा समझ जाएगा अच्छे से. तो ये जो है ये फ्रेंडशिप का एक क्राइटेरिया होता है. तो किसी भी एसोसिएशन में जब हम जाते हैं या किसी भी उसमें जब हम एसोसिएट होते हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया सिर्फ यही होता है कि लाइक माइंडेड पीपल दे ऑलवेज कम टूगेदर, दे ऑलवेज ज्वेल टूगेदर, दे ऑलवेज जेल टूगेदर. राइट? Yes, ma'am. तो पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है. उसका कारण ये है कि कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, सो दैट दे कैन यू नो प्रोवाइड सर्टेन गाइडलाइंस जिसपे कि बाकी लोग काम कर सकें और कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें, और साइड बाय साइड लोगों के वेलफेयर के बारे में भी काम, उनके वेलफेयर को से रिलेटेड चीजों को भी कर सके. आई होप आई एम क्लियर नाउ. यस मैम. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे कंट्री में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है. अच्छा चलो ठीक है, एक वन जनरल क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव, एनीबॉडी इन द क्लास? मैम टू. ए अग्रिम मैम टू. मैम सेवन. मैम सेवन. सेवन. मैम सेवन. हाउ मेनी ऑफ यू सेड सेवन? रेज योर हैंड दोज हू सेड सेवन. मैम मी. Okay, Anya also said seven. Very good. Achha, name these seven. Yes. Ma'am, eight. Ma'am, BJP.
Yes, seven are there. Okay, Agrim will tell the two important national political parties. Tell Agrim. Ma'am, BJP and Congress. But BJP and Congress, that's it. And what about BSP? What about Trimol? NCP? What about TMC? What about, ma'am, you asked for the two important. Because Agrim said only two national parties. You asked, ma'am? Ma'am, you asked two important. Because you said two only, no? That is why I asked you two. Okay, fine. Can any one of you tell me the names of seven political parties that we have, national political parties? Ma'am. Yes, Dhruv? All India Trimul Congress. Okay. Bahujan Samaj Party. Okay. Bharatiya Janata Party. Okay. Communist Party. Okay. Communist Party of India. Yes. PPIM. Yes. Indian National Congress. Okay. Nationalist Congress Party, NCP. Very good. NCP. See, in total, we have seven national political parties, namely BJP, Bharatiya Janata Party, yes, then Congress, INC, Indian National Congress. Then we have BSP, Bahujan Samaj Party. Then we have CPI, Communist Party of India. Then we have CPIM, Communist Party of India, Marxist. Then we have TMC, Trinamool Congress. And then, sorry, we have NCP, Nationalist Congress Party. Right? Right? Yes, ma'am. Now, yes, can you ma'am. Tell me, can you tell me which is the oldest of them? Out of these seven, which party is the oldest? Congress. Congress. Everybody goes for Congress? Congress. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can you tell in which year this Congress ma'am. Was formed? In which year Congress party was formed? Ma'am, 1885. Good. Very smart children, very smart. Okay, that's really very good. See, INC is the oldest party that we have. Can you tell in which year or which is the latest party that we have? Latest in the sense, not very old in formation. National Congress Party. Ma'am, BJP. National Congress Party. In which year it came into being? Ma'am, 1990. Very good. Very good. See, Dhruv, my question was, which is the oldest party and which is the youngest party? Nationalist youngest party. See, oldest party is Congress, right? 1885 it was formed. Then it is BJP, CPI, 1965, right? 1925. Then CPIM 1964. Yes, ma'am. Right. Then BSP was formed in 1984 by Kashiram. Right. Yes, ma'am. Then BJP was formed in which year? Can anybody tell? From 1980. Very good. 1980. And you know, BJP was earlier known as which party? Bharatiya Jana Sangh. It was earlier known as Bharatiya Jana Sangha, and it was the name was revised and it was kept as Bharatiya Janata Party in the year 1980. Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, this all in which year BJP was formed? 1980 BJP was formed. Yes. Can you tell me which is the oldest party which has ruled for the maximum number of times? Ma'am, INC. Very good. It is INC. Very good, class. Yes, ma'am, INC. INC. The longest tenure of the political party that has been ruling over the country is Indian National Congress. Can you tell who is the leader of BSP? Deepshika? Mayawati. Mayawati. Yes.
Sushri Mayawati is the leader of BSP party. But do you know who founded? But do you know who founded this political party? Mayawati. Ma'am, Kanshiram ji. Yes. Ma'am, Kanshiram. Yes, Kanshiram ji founded this party called as. Bahujan Samaj Party. Yes. Bahujan Samaj Party. Yes. Very good. Ma'am, most of the things are copied in a country from other countries. Ma'am, only the politics did not copied by other countries. Politics is made in only our country. Actually, because of the population, you can say, because of the largest democracy, you can say. See, there are a lot many things that are added to our country, no? Largest democracy in the world, longest written constitution in the world. Itna lengthiest to constitution kisi country ka nahi hai, bhai, pure sansar mein jitna hamare country ka hai. To hamare country mein, haan. और आप जानते हैं बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं इन द वर्ल्ड जिनमें की कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के दोबारा से फ्रेम करा गया बट इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे हमने हमारे फ्रेम जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने ये प्रोविजन रखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट का प्रोविजन हो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पूरा एज इट इज चेंज ना करना पड़े बट कुछ एक लॉज क्योंकि देखो सबको पता है समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है अभी हमने 2 साल पहले क्या कभी हमने इमेजिन करा था कि हम लोग घर से बैठ के अपने लैपटॉप या मोबाइल से क्लासेस लिया करेंगे क्या कभी ऐसा किसी ने इमेजिन करा था बताओ किसी ने नहीं करा था तो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसा कोई टाइम आएगा कि पीपल विल बी कन्फाइंड इन देयर हाउसेज एंड दे विल बी टेकिंग स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग देयर क्लासेस from home, online, on the screen, you know, and lot many people attached with them. So this was never, you know, thought of. But change is always something which is permanent. Change is the basic nature of law, right? So changes बहुत ज्यादा welcoming होते हैं और बहुत ज्यादा permanent या prominent होते हैं इसलिए जो हमारे constitution framers थे उनको ये बात पता थी कि समय जो है जब जिस समय constitution आया 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया उस टाइम पे उन्हें पता था कि इस टाइम जो है इंडिया विल नॉट बी द सेम कंट्री इंडिया विल डेफिनेटली डेवलप लोग चेंज होंगे लोग बदलेंगे लोगों का माइंडसेट बदलेगा जो ऑर्थोडॉक्सी या जो चीजें इस समय हमारे पास हैं इस समय कंट्री में प्रिवेल करती हैं हो सकता है आने वाले टाइम में वो सब चीजें ना हो पीपल आर नॉट दैट ऑर्थोडॉक्स हो सकता है कंट्री इतना डेवलप कर जाए टेक्नोलॉजी में साइंसेज में मेडिसिन में कि बहुत बहुत चेंजेस आ जाए तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करा एक प्रोविजन डाला कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट कहते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही एडेड है ठीक है जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसी में एडेड है ये तो अब क्योंकि हमें पता है कि भाई चेंज इज द बेसिक नेचर ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर ऑफ द लॉ तो इस लॉ को के बेसिक नेचर को सस्टेन करने के लिए क्या किया गया कुछ नॉर्म्स ऐसे डाले गए जिससे कि हम चेंजेस कर सकते हैं तो उसकी वजह से हमें पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज चेंज नहीं करना पड़ता थोड़ी थोड़ी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं बट हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके पास पूर्णतया ये अधिकार नहीं है कंप्लीटली ये राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चेंज कर दे उसको पूरा पूरा पार्लियामेंट में उसको अपने में मेजोरिटी लेनी होगी वोट्स की तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अमेंड कर सकता है ठीक है मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं या दीपशिखा अगर प्राइम मिनिस्टर है वो चाहे कि भाई मुझे जो है एक पर्टिकुलर लॉ को चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो विल वी बी एबल टू डू दैट बीइंग हेड ऑफ द कंट्री नहीं हम नहीं कर सकते हैं ऐसा क्योंकि कंप्लीटली वी आर नॉट पावरफुल वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिट टुगेदर डिसाइड ऑन पॉलिसीज एंड मेक द पॉलिसीज तो वेरी गुड हमें किसी भी चेंज को इनिशिएट करने के लिए सब लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा और उस सपोर्ट को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दीपशिखा क्या करना पड़ेगा मैम मीटिंग यस सेशन लोकसभा का सेशन बुलाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा का सेशन बुलाना पड़ेगा और उस सेशन में हमें अपनी बात रखनी होगी कि हम चाहते हैं कि फला फला कानून जो है वो बदल जाए उसमें कुछ चेंजेस आ जाए पूरा पूरा चेंज ना हो
तो लोग अगर कहेंगे हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं ये चेंजेस आए, तो दे विल गो फॉर इट, एंड अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो मना कर देंगे, ठीक है। पर जो लोग वोट करेंगे और जब कंपेयर किया जाएगा वोट के परसेंटेजेस को, तो जब कंपेयर करेंगे और अगर मैक्सिमम वोट ये कहते हैं कि हाँ वी शुड गो फॉर द चेंज, तो चेंजेस हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखो, घर में भी जब कभी कुछ नया आना होता है या नया खरीदना होता है तो सारे फैमिली मेंबर्स को बिठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है बेटा तुम्हारी क्या रजामंदी है, तुम्हारी क्या रजामंदी है, अच्छा मम्मा आप बताओ, अच्छा पापा आप बताओ, तो ये डिस्कशंस होते हैं ना, दीज डिस्कशंस आर रियली वेरी गुड, ठीक है। ये अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हमें समझ में आती है, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हमें समझ में आता है, ठीक है। तो जब ये चीजें होती हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। यस मैम, तो इसी वजह से जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका जो काम होता है, इनका काम लोगों को साथ लेके चलना होता है, ये इंडिविजुअली या अकेले काम नहीं करते हैं, इनका मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये केवल अपने आप को सेंटर करके नहीं कुछ काम कर सकते, वो अलग बात है कि चीजें बहुत सारी ऐसी होती हैं विच वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, बट ठीक है, बिकॉज एक सिस्टम है, सिस्टम को हमें फॉलो करना है, सिस्टम में के बीच में बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं ना, देखा है ना आपने हमारे yes, ma'am. आपने कभी स्पाइनल कॉर्ड देखे, स्पाइनल कॉर्ड? Yes, ma'am. क्या उसमें बोन्स एकदम कनेक्टेड होती हैं एक साथ की स्पेसेस भी होते हैं इन बिटवीन? मैम स्पेसेस होती है ना, ये जो स्पेसेस होती हैं ये बेसिकली अलाउ करती हैं टू ब्रिंग चेंजेस। अगर हम अपने अपने कंट्री के सिस्टम को हम ऐसा मान के चलें कि एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम करते हैं जिनमें बीच में स्पेसेस होती हैं, वो स्पेसेस बेसिकली ये एंश्योर करती हैं कि जो है चेंजेस अगर जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे चेंजेस हम इनपुट डाल दें उन चेंजेस का, ठीक है, ठीक है। चलिए yes, ma'am. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे कंट्री की जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरीके से कंट्री के लिए काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का होना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, एंड ऐसा क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फिर आते हैं इनके वीक पॉइंट्स पे या इनकी शॉर्टकमिंग्स पे, क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं बची हैं, क्यों हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे हैं ताकि ये जो डिफेक्शन होता है ना लोग पार्टी, आपने देखा होगा फला फला लीडर स्विच्ड हिज पार्टी टू फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अभी टीएम जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो आपने देखा था बहुत सारे जो एमएलए थे ऑफ यू नो बंगाल, उन्होंने क्या करा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। जहां पे भी इन लीडर्स को, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इन्हें जहां पे समझ में आता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है या ज्यादा उसका वेटेज है तो वो क्या करते हैं, दे स्विच। तो ये जो स्विचिंग होती है ना ऑफ द लीडर्स, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये स्विचिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्विचिंग की होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हम एक पार्टी को हम नकारते हैं कि भाई हम इस पार्टी को लेके नहीं आएंगे पावर में क्योंकि इसके लीडर्स अच्छे नहीं है, पर उस लीडर के उस पार्टी के मैक्सिमम लीडर्स आ गए उस पार्टी में जो कि गवर्नमेंट बना रही है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग इट। क्योंकि इलेक्शन में हमने उस पार्टी को वोट के लिए वोट करा जो जिससे हमें एक्सपेक्टेशन थी विल ब्रिंग चेंजेस, विल गो फॉर द वेलफेयर, बट उन पार्टीज ने वो सब काम करा ही नहीं क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन पार्टी के लीडर्स को ले लिया जिनको कि हमने मना कर दिया था, जिनको हमने वोट ही नहीं करा, जिनको हमने कंप्लीटली वोट आउट कर दिया। तो ये सब चीजें क्योंकि अगर ये स्विचिंग होती रहेगी तो हमें जेन्युइन लीडर्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और एक हमने पॉइंट क्लास 9 में पढ़ा था कि डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, डायनेस्टिक सक्सेशन होता है उसमें, उसकी वजह से भी बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं, डिजर्विंग लीडर्स जो होते हैं, दे डू नॉट मेक अप टू द टॉप पोजीशंस, वो टॉप पे कभी आ ही नहीं पाते, जो एक्चुअली में बहुत बहुत आपने देखा होगा ना कुछ लोग बहुत जुनूनी होते हैं, उनको लगता है कि हम चेंजेस ला सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट बिकॉज दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटी
टू रीच द हाइट टॉप, तो क्या होता है, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक. सो वी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दिस. अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा उससे विल स्टार्ट विद दी, आई विल स्टार्ट विद दी फ्लो चार्ट्स, ठीक है. टेल मी वन थिंग, हैव वी डन फ्लो चार्ट्स ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स? यस मैम.